श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद मधु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सर श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी के चरणों में यथा योग्य प्रणाम अर्पण करता हूँ। आज परम सौभाग्य का दिवस है। यहाँ पर हरि कथा कीर्तन का आयोजन हुआ है और विशेष रूप से हमको यहाँ पर आकर के बहुत आनंद हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमारी पूरी गुरु परंपरा विराजमान है और आप लोगों का भी परम सौभाग्य है जो श्रील प्रभुपाद की धारा में आप लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए आज हम अपने जो गुरु परंपरा है उसी की महिमा को कुछ कीर्तन करने का प्रयास करेंगे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, जिनको सप्तम गोस्वामी कहा जाता है, क्योंकि जो गोस्वामियों को कार्य दिए थे श्री चैतन्य महाप्रभु ने, वो सारे के सारे कार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भी जगत में किए। उन्होंने भक्ति ग्रंथों की रचना की, शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, हरि नाम का भी प्रचार किया, धाम को प्रकाशित किया, शुद्ध भक्ति ग्रंथों का प्रणयन किया, किंतु उनके मन में फिर भी एक चिंता थी। वो चिंता यह थी कि मैंने इतने सारे भक्ति ग्रंथों की रचना तो की है, किंतु जगत में इनका प्रचार कौन करेगा। इसके लिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जिस समय जगन्नाथपुरी में रहते थे, उन्होंने श्री जगन्नाथ जी की शक्ति श्री विमला देवी से प्रार्थना की। उनकी कृपा से ही उनके घर में एक बालक का आविर्भाव हुआ, उसका नाम रखा उन्होंने श्री विमला प्रसाद, क्योंकि श्री विमला देवी की कृपा प्रसाद अर्थात कृपा। बालक के जन्म के समय ही उनके शरीर में बड़े दिव्य अलौकिक उनके चिन्ह थे, जनेऊ का चिन्ह, द्वादश तिलकों के चिन्ह, और उसके उनके जन्म के कुछ दिन ही पश्चात जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हुई करके ठाकुर भक्ति विनोद के घर के सामने ही रुक गया। जो अभी हम लोग जाते हैं श्री चैतन्य गौड़ी मठ, वही श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव स्थान, वहाँ जगन्नाथ जी का रथ रुक गया। 3 दिन तक रथ रुका रहा, तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर उन्होंने श्रील प्रभुपाद को बाहर लेकर के आए जगन्नाथ जी के रथ के सामने, तो उनकी जो प्रसादी माला है जगन्नाथ जी की, वो स्वयं ही गिर गई। ठाकुर भक्ति विनोद भी कोई साधारण नहीं है, वो राधा जी की मंजरी है, इसलिए वो जानते हैं कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने ही आगे चल करके 10 साल में 100 करोड़ नाम यज्ञ किया श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। और जो ठाकुर भक्ति विनोद जो इच्छा करके गए थे कि किस प्रकार से ये जो भक्ति धारा है फिर आगे बढ़े, इसके लिए श्रील प्रभुपाद ने स्वयं पहले आचरण करके दिखाया, साधकोचित आचरण, चांद्रायण व्रत पारण किया। चांद्रायण व्रत कितना कठिन होता है, जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं होती है उसके अनुसार भोजन करना होता है, और गोग्रास, वो भी गोग्रास का मतलब क्या है, पत्थर के ऊपर, एक वहां पर अभी भी पत्थर विराजमान है, उस पत्थर के ऊपर रख देंगे प्रसाद और उसको बस जैसे गाय खाती है मुख से उतना ही खाना पड़ेगा। और चंद्रमा की कला, जैसे आज पूर्णिमा है तो 15 ग्रास, उसके बाद अगले दिन एक घटा तो 14 ग्रास, ऐसे कर करके अमावस्या को कुछ भी नहीं, और वो भी ग्रास भी कैसे, जैसे बताया कि केवल जो मुंह गाय की तरह बस मुंह लगा करके ऐसे उठा करके खाना है। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने कठोर व्रत का पालन किया, 10 साल में 100 करोड़ नाम एक प्रतिदिन, 3 लाख नाम नियम पूर्वक संख्या पूर्वक नाम किया। उससे प्रसन्न होकर के श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने पार्षदों के साथ उनको दर्शन दिए और उनको आदेश प्रदान किया कि तुम जाओ भक्ति का प्रचार करो, नाम संकीर्तन का प्रचार करो।
श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मेरे पास न धन बल है न जन बल है, मैं प्रचार करूंगा कैसे। तब स्वयं महाप्रभु ने कहा कि तुम चिंता मत करो, वो सारी की सारी व्यवस्था वो मैं करूंगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने उसके बाद में 1918 में लगभग संन्यास लिया था, और उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक जो उनके पास में जो गण आने लगे वो कोई सामान्य नहीं है। अभी महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, महाप्रभु स्वयं ही बोल रहे हैं कि ये जितने भी धन बल है जन बल वो मैं भेजूंगा। अर्थात अब उनके पास जितने भी जन आ रहे हैं वो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु उनको भेज रहे हैं। और वैसे भी देखो, युद्ध करने के लिए जब राजा जाता है अकेला जाता है कहीं, उसका सेनापति साथ होता है, मंत्री साथ होते हैं, उसके सारे गण साथ होते हैं। और यहाँ पर जो युद्ध है माया से, ये तो और भी बड़ा युद्ध है। एक राजा से युद्ध तो बहुत छोटा होता है, किंतु माया से युद्ध करना है, माया सारे जीवों को ग्रस रही है। और श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर राजा हैं, और उनके जो सेनापति लोग, अब धीरे धीरे उनके जो गण हैं वो सब कमांडर हैं उनके। इसलिए श्री मनस इच्छा में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने एक बात कही है, प्रतिष्ठासा धृष्टा स्वपच रमणी मे हृदय नते कथम साधु प्रेमा सुचरे तन्न मन, सदा तुम सेवस्य प्रभु दयित सामंतम अतुलम यथा ताम निष्कास त्वरित में तम वेशयति सब। कि जो हमारे हृदय में भजन करते हुए प्रतिष्ठा की कामना आती है, हमको प्रतिष्ठा चाहिए, हमको लोग बड़ा वैष्णव माने, प्रणाम करें, प्रणामी दें, इस प्रकार से कह रहे हैं कि इसको बचने का केवल एकमात्र एक ही उपाय है। क्या? सदा तुम सेवस्य प्रभु दयित सामंत, मतलब भगवान के महाप्रभु के जो सामंत है कमांडर, उनकी सेवा करो। वो इतने शक्तिशाली हैं कि उनके आगे माया का कोई बल नहीं काम करता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद के पास में जो कमांडर लोग आए, 1919 में हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी आए, 1922 में श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी आए, श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, श्री भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज, कल उनकी तिथि थी, हमारे गुरुदेव ने स्वयं उनके लिए बोला कथा बोलते हुए कि वो एक महाभागवत महापुरुष, हमारे गुरुदेव के लिए स्वयं राधा जी ने सेवा कुंज के पुजारी को आदेश दिया था कि ये मेरी सखी है, इनको तो मेरा प्रसाद देकर क्या। वो जिसको महाभागवत महापुरुष बोल रहे हैं वो सोच सकते हैं कैसा होगा। और उसी क्रम में जैसे बताया श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी शायद 1922 में श्रील प्रभुपाद जी के पास में आए, और प्रभुपाद की उनके प्रति कैसी अतुलित ममता थी, अतुलनीय ममता थी, कैसा उनके ऊपर विश्वास था। एक समय श्रील प्रभुपाद, यद्यपि उनकी महिमा तो बहुत है, अगर सारे दिन भी अगर कीर्तन करेंगे तो भी खत्म नहीं होगी, किंतु संक्षेप में कुछ कुछ उनका वैशिष्ट हम लोग कीर्तन करने का प्रयास करेंगे। उससे पश्चात श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी का थोड़ा महिमा बताएंगे। श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी को एक समय श्रील प्रभुपाद ने किसी कार्य के लिए बाहर भेजा, वो कई दिनों के बाद में वो कार्य करके वापस लौटे, और जैसे ही प्रभुपाद को प्रणाम किया, श्रील प्रभुपाद ने कहा कि अभी जन्माष्टमी के लिए मथुरा में हमको तैयारियां करनी है, अभी आप सीधे मथुरा चले जाओ। और एक दूसरे ब्रह्मचारी को श्रील प्रभुपाद ने कहा कि आप जाकर के इनके लिए पूड़ी और सब्जी बना करके दो, जिससे कि रास्ते में ट्रेन में लेकर के जाएंगे। तो श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी ने क्या बोला, श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी ने कहा कि मुझे पूड़ी सब्जी खाने की जरूरत नहीं है, इसमें विलम्ब करने की आवश्यकता नहीं है, मैं कुछ भी मिल करके जैसे सत्तू अत्तू घोल करके ऐसे ही खा लूंगा। श्रील प्रभुपाद इतने संतुष्ट हुए, और जब श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी वहां से आ गए ट्रेन पकड़ने के लिए, तो श्रील प्रभुपाद ने स्वयं बोला था कि ये ज्वालामुखी ही इज वॉल्केनिक एनर्जी। स्वयं श्रील प्रभुपाद जिसके लिए ऐसी बात बोल रहे, प्रभुपाद कौन है, राधा जी की नयन मणि मंजरी है, उनका एक एक शब्द बिल्कुल वेद शास्त्र के समान। वो कोई भी बात ऐसे नहीं बोलते जैसे कि हम लोग प्रशंसा करने के लिए भक्तों को कुछ भी बोल देते हैं। श्रील प्रभुपाद का एक एक वचन इतना गुरुत्वपूर्ण है। तो श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी के लिए श्रील प्रभुपाद ने बोला वॉल्केनिक एनर्जी, और ये बात श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी स्वयं बोलते हुए बड़े भाव विभोर हो जाया करते थे। कहते थे जब श्रील प्रभुपाद थे तब हमको इतना सेवा में नियुक्त रखते थे, सब समय सेवा में नियुक्त रखते थे। उस समय हमारे मन में होता था कि जो मठ में अन्य अन्य ब्रह्मचारी जो रहते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं मठ में ब्रह्मचारी रहते हैं, वो सुबेरे मंगल आरती में जगते हैं 4:30 बजे मंगल आरती का, फिर हरि नाम करते हैं, फिर कीर्तन होता है, फिर कथा होता है, ऐसे मठ के नियमों का पालन करते हैं। तो श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी कहते हैं
मैं सोचा करता था कि मेरा ऐसा कब दिन आए कि मैं भी इस प्रकार से नियम संख्या पूर्वक और मठ के नियमों का पालन करूंगा, कथा कीर्तन में बैठूंगा, क्योंकि हम तो प्रभुपाद के समय सब समय ही प्रभुपाद उनको सेवा में नियुक्त करते थे। और कहते हैं कि हमको सबसे अधिक प्रसन्नता कब होती, देखो गुरु सेवक का क्या लक्षण, गुरु सेवक का लक्षण है, श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं हमको सबसे अधिक प्रसन्नता कब होती थी, जब श्रील प्रभुपाद एक सेवा में खत्म करके आया और बिना पूछे ही कि तुमने ये काम किया कि नहीं किया दूसरी सेवा तुरंत दे देते। इसका मतलब क्या है, इसमें प्रसन्नता की बात क्या है, इसमें प्रसन्नता की बहुत बड़ी बात है। गुरु को किस प्रकार से शिष्य के ऊपर विश्वास है कि ये इसको कोई सेवा दी है तो वो करके ही लौटेगा, ये गुरु और शिष्य का संबंध है। जब गुरु को अपने शिष्य के प्रति इतना विश्वास होगा तो निश्चित रूप से गुरु उसके अंदर में सारी शक्ति संचार कर देंगे। इसलिए श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि हमको उस समय सबसे अधिक आनंद होता था। अब श्रील प्रभुपाद प्रकट हो गए, उसके बाद श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं हम मठ में रहते हैं, वो जो सोचा करते थे कि ग्रंथ पढ़ेंगे और नियम पूर्वक संख्या पूर्वक नाम इत्यादि करेंगे वो सब सुयोग मिलता है, लेकिन उस प्रकार का आनंद नहीं है जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जब हमको सेवा में सब समय नियुक्त रखते थे, उस प्रकार की अभी सेवा करने का सुयोग हमको प्राप्त नहीं होता है। ये देखो गुरु और शिष्य का क्या संबंध है, गुरु की शिष्य के प्रति श्रद्धा और शिष्य की कैसे शरणागति, कैसे उनके प्रति प्रीति। कि एक समय श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज और श्रील भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज दोनों को श्रील प्रभुपाद ने प्रचार के लिए भेजा था, बिहार में किसी स्थान पर प्रचार के लिए भेजा, वहां बड़ी ठंड पड़ रही थी, वहां पर जो गृहस्थ भक्त थे उन्होंने श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज और श्रील भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज दोनों को ओढ़ने के लिए पहनने के लिए स्वेटर प्रदान किया, स्वेटर प्रदान किया, किंतु उन्होंने वो स्वेटर लिया नहीं, ठंड पड़ रही, ठंड सहन कर रहे, किंतु स्वेटर नहीं लिया। दो तीन दिन के पश्चात में श्रील प्रभुपाद वहां पर आए तो वो जो गृहस्थ भक्त थे उन्होंने श्रील प्रभुपाद से कहा कि देखो ये दोनों को ठंड भी लग रही है, ठंड यहाँ बहुत पड़ रही है, किंतु ये लोग हम स्वेटर देते हैं, स्वेटर लेते नहीं। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा ठीक है तुम वो स्वेटर मुझे दे दो, उन्होंने स्वेटर मुझे दे दो। तो फिर श्रील प्रभुपाद को उन्होंने स्वेटर दिए दोनों, और श्रील प्रभुपाद ने जब अपने हाथों से वो स्वेटर दिया श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति दवन दोनों ने स्वेटर ले लिया। इसमें शिक्षा बताते हैं क्या, श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी को स्वेटर से इतना प्रेम करते थे, कहते जब भी वो अपने बिस्तर पे सोते थे उस स्वेटर को फोल्ड करके अपने तकिए के पास में रखते थे। एक समय उनके शिष्य ने सेवक ने पूछा कि गुरु जी आप तो ये स्वेटर यूज नहीं करते, फटा अभी पुराना भी हो गया है, तो इस बहुत सारे नए स्वेटर हैं आप उनको ले लो। तो श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज बड़े गुस्सा हो गए, कहते तुमको पता है स्वेटर का मूल्य कितना है, ये स्वयं श्रील प्रभुपाद ने अपने हाथ से दिया है। देखो ये होती गुरु के प्रति कितना निष्ठा है, प्रभुपाद के दी हुई प्रत्येक वस्तु वो साक्षात जो भगवान अपने हाथ से दे उससे भी अधिक मूल्य है, भगवान के प्रसाद से भी अधिक मूल्य है गुरु की दी हुई वस्तु का। इस प्रकार से उनकी गुरु की दी हुई वस्तु के प्रति निष्ठा थी। एक कंबल था, श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज स्वेटर नहीं पहनते थे, ठंड में कंबल यूज करते थे, कंबल ओढ़ करके रहते थे। तो एक कंबल बहुत पुराना हो गया और महाराज जी उसी को सब समय प्रयोग करते थे, और भक्त लोग तो बाद में इतना सारा प्रचार हुआ, श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी का तो बहुत ही प्रचार था, गौड़ी मठ में सबसे नंबर वन कलेक्टर थे श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, सबसे अधिक संग्रह करते थे मठ की सेवाओं के लिए, और दूसरे नंबर पर श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज। तो इतना सारा उनके पास चीज आती थी, नए नए एक से एक बढ़िया बढ़िया कंबल आते थे। तो एक समय वो सेवक ने क्या किया, वो कंबल रखा हुआ था उसको हटा करके दूसरा कंबल नया कंबल रख दिया। श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी उनको तो बड़ा क्रोध आया, उन्होंने कहा कंबल कहाँ गया। तो शिष्य बोला कि गुरुजी ये तो बहुत सारे भक्त लोग उतना बात पूरा भी नहीं किया। महाराज जी ने बोला तुमको पता है ये कंबल की मूल्य कितना है, इस कंबल के ऊपर श्रील प्रभुपाद बैठे थे, श्रील प्रभुपाद स्वयं इस कंबल के ऊपर बैठे थे, तुम इसका मूल्य जान सकते हो, इसलिए खबरदार कभी इस कंबल को हाथ नहीं लगाना, अपने अंतिम समय तक मैं इसी कंबल को यूज करूंगा और कोई वस्तु यूज नहीं करूंगा। कैसी गुरु के प्रति कैसी निष्ठा का सर्वोत्तम आदर्श
हमारे जो गुरुजन है उन्होंने करके दिखाया, और उसी प्रकार से कैसे उनके बताया, अगर उनकी महिमा कीर्तन करो सारे दिन भी, अगर उनकी महिमा कीर्तन करो ना तब भी बहुत कम समय, इतना उनकी महिमा है। एक समय कैसे उन्होंने त्रणादपि सुनिचिन तरोरिव सहिष्णुना इसका आदर्श दिखाया स्थापित करके। जब मठ में रहते थे चैतन्य मठ में सीधे प्रभुपाद के प्रकट होने के पश्चात में, तब उन्होंने 1944 में संन्यास ले लिया, तो उनका प्रचार, उनका व्यक्तित्व और उनका जो दिव्य दर्शन था वो साधारण नहीं थे, बट दिव्य महापुरुष थे। उनको दर्शन करने मात्र से कितने लोग आकर्षित हो जाते, तो उनको देख करके कितने सारे लोग उनके शिष्य बनने लगे। तो उस समय जो वहां पर आचार्य थे चैतन्य मठ में, उनको कोई पूछता नहीं था, तब उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो सारे लोग तो इनसे ही दीक्षा लेते। कैसे उन्होंने त्रणादपि सुनिच का आदर्श दिखाया, लेकिन विचार करने वाली जो महाप्रभु की विचारधारा में, श्रील प्रभुपाद की विचारधारा में कैसे निष्णात थे वो। तो उन्होंने कहा जो आचार्य थे कि आप चैतन्य मठ में दीक्षा न देकर के आप महाप्रभु के जन्म स्थान में दीक्षा दिया। उन्होंने कहा ठीक है, कुछ भी नहीं बोला, यहाँ पर मैं दीक्षा दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। वो वहां दीक्षा देने लगे चैतन्य मठ में, लेकिन उनके पास कोई जाता नहीं, सबके सब फिर भक्तों को पता चला कि माधव महाराज तो महाप्रभु के लीला स्थान उसमें जो योगपीठ में दीक्षा देते हैं, सब लोग वहां जाने लगे। तो उनके जो आचार्य थे, उनके जो सहयोगी थे, उन्होंने कहा जब तक माधव महाराज हैं आपको कोई नहीं पूछेगा, इतना उनका प्रभाव था। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप वहां से उनको बोला, फिर माधव महाराज जी को बोला कि आप चैतन्य मठ में दीक्षा, उसमें योगपीठ में दीक्षा, श्रीवास आंगन में दीक्षा दिया। उनका ठीक है, वो श्रीवास आंगन में दीक्षा देने लगे। अब ये दोनों स्थान पर वो आचार्य जी देने लगे दीक्षा, लेकिन उसके बाद वहां भी कोई नहीं जाता, वो सिर्फ श्रीवास आंगन में आ रहे। अंत में उनको मुरारी गुप्त का जो श्रीपाठ है, जो श्री राम मंदिर जो हम लोग जाते हैं, जो चैतन्य मठ के पीछे की तरफ, वहां पर बोला। और इस प्रकार से जब तब भी नहीं हुआ, तब भी उनको कोई पूछता नहीं है, अंत में उन्होंने फिर एक षड्यंत्र रचा। चैतन्य मठ में शिला भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज जी वहां पर रहते थे, वहीं उनके सारे शिष्य लोग भी रहते थे। एक बार शिला भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज जी कलकत्ता प्रचार करने के लिए गए, तो उन्होंने क्या किया, उनके सारे शिष्यों को बुला करके कहा कि गुरु जी ने तुमको बुलाया, जाओ वहां पर कुछ सेवा है। सारे शिष्यों को वहां भेज दिया। जब वहां पर पहुंचे तो गुरु जी से पूछा, गुरुदेव आपने बुलाया, उनको हमने तो बुलाया नहीं। तो फिर क्या है कि उनको सारे शिष्यों को वहां से निकाल दिया कि हमारा यहाँ पर अधिपत्य हो जाए। इस प्रकार से दुर्व्यवहार किया महाराज जी के साथ में, किंतु महाराज जी ने एक बार भी उनका विरोध नहीं किया, और वहीं से एक किराए का घर लिया और किराए के घर से वहीं से प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखो इतना तो उन्होंने सहन किया, कुछ बोला नहीं, ये तो अलग बात है। इसके अतिरिक्त जो कहते हैं ना, तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना, जैसे कि पेड़ के ऊपर पत्थर मारो, पत्थर मारने पर पेड़ उल्टा फल देता है, कुछ बोलता तो नहीं है, उल्टा फल देता है, ऐसे शिल भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी का चरित्र। इसके पश्चात में जब एक समय शिल भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी से कुछ लोगों ने कहा कि ये लोग इस प्रकार से ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं, आप कुछ बोलते क्यों नहीं, और बहुत सारी बातें बोली कि ये लोग प्रभुपाद के विचारधारा का पालन नहीं करते, इस प्रकार से मठ में कैसे कि प्रभुपाद के गण तो सब साधारण नहीं है, तो इस प्रकार से इन सब में आपस में सब अलग अलग क्यों हो गए। तो पता है शिल भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी क्या बोले, हर चीज में भगवान की कृपा को अनुभव करते। शिल भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी ने बोला कि हमारे प्रभुपाद शिल गुरुदेव ने अंतिम समय में बोला था कि तुम लोग सब मिलजुल करके आश्रय जाति श्रीमती राधा रानी और उनके अनुगत्य जो जन है, उनके अनुगत्य में रह करके मिलजुल करके रूप रघुनाथ की वाणी का प्रचार करना, इस प्रकार से बोल करके गए। और प्रभुपाद के सारे शिष्य हैं जो, वो इतने योग्य हैं, एक एक शिष्य पूरा क्रांति लाने का सामर्थ्य रखता है, हम लोग देखते भी हैं। श्रील प्रभुपाद के प्रकट होने के बाद हमारे परम गुरुदेव ने गौड़ी वेदांत समिति की स्थापना की, श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी ने चैतन्य सारस्वत मठ की स्थापना की, श्रील भक्ति दैत माधव गोस्वामी चैतन्य गौड़ी मठ की स्थापना की, श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी गोपीनाथ गौड़ी मठ की, श्रील रूप सिद्धांत, ऐसे सबने एक एक ने इतना क्रांति ला दिया पूरे विश्व, साधारण है। तो श्रील भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि प्रभुपाद जो मिशन चाहते थे कि सारी पृथ्वी पर मेरा वाणी का प्रचार होना चाहिए, अगर ये साथ में रहते तो कैसे होता, अगर ये साथ में रहते, देखो जो जिनके जिन्होंने उनके साथ में दुर्व्यवहार किया उनके प्रति भी कैसी भावना है उनकी, कि हम लोग अगर साथ में रहते तो कैसे होता है। इसलिए प्रभुपाद की इच्छा है कि हम सब लोग अलग अलग रह करके
अलग अलग भजन करें और अलग अलग प्रचार करें, उससे जो महाप्रभु की वाणी है उसका प्रचार सारे विश्व में होगा। नहीं तो सब एक ही जगह रहेंगे तो कैसे प्रचार होगा। ये है तृणादपि सुनिश्चित, कैसे उस धर्म में प्रतिष्ठित थे और उनके ही जैसे बताया जैसी गुरु निष्ठा थी वही कैसे श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी के हृदय में। स्वाभाविक सी बात है, जो शिष्य है अगर शरणागत है, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसमर्पण। जैसे ही दीक्षा के समय में शिष्य आत्मसमर्पण करता है उसी समय कृष्ण उसको अपने समान बना देते, गुरु उसके अंदर में अपने सारे गुण को संचरित कर देते। जैसे गुरु निष्ठा हम देखते हैं श्रील भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी की, उसी प्रकार से श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज हम सुनते हैं, हमने वीडियो भी देखा है उसका, किस प्रकार से श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज बहुत वृद्ध हो गए, उनके शिष्य लोग उनको किसी प्रकार से ले जाते हैं गुरु जी के कक्ष में, श्रील भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी के कक्ष में प्रतिदिन प्रणाम करने के लिए जाते हैं। सुनकर वो जो बैठे उसको बस स्पर्श करने के साथ ही साथ ऐसे बच्चों की तरह फूट फूट करके रोते थे। ये तो विरह, जिसके हृदय में वो गुरु भक्ति है गुरु निष्ठा है उसके हृदय में अपने आप आएगा वो। एक एक वस्तु कोई अगर गुरु की दिखाई देगी तो साथ ही साथ गुरु जी की कृपा, उनसे संबंधित जितनी लीला है वो सब उनको स्मरण होती है, ये गुरु निष्ठा। और एक दिन का बात नहीं, प्रतिदिन उनको ऐसा होता है। इसीलिए प्रभुपाद एक बात कहते थे कि प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में, प्रत्येक मास के प्रारंभ में, प्रत्येक दिन के प्रारंभ में और प्रत्येक मुहूर्त में, प्रत्येक क्षण के प्रारंभ में हमको गुरु पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार का आचरण जो हमने श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी के जीवन चरित्र में देखा। कैसे हमारे श्रील बामन गोसाई महाराज जी, जिनकी महिमा अगर सुनेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे, उनको राधा जी ने तीन तीन बार उनको दर्शन दिया। श्रील भक्ति वेदांत बामन गोसाई महाराज जी को एक बार परिक्रमा चल रही थी, गौर मंडल परिक्रमा, श्रील भक्ति वेदांत बामन गोसाई महाराज जी वो कार से जा रहे थे और श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी अपनी परिक्रमा पार्टी के साथ में उधर से कीर्तन करते हुए आ रहे थे। श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी परिक्रमा पार्टी के साथ में कीर्तन करते हुए आ रहे थे और श्रील भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज जी कार से जा रहे थे दर्शन करने के लिए। तो श्रील भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज जी ने अपने शिष्यों को बोला कार साइड में लगाओ और हमको एक शुद्ध भक्त के कीर्तन को सुनने दो। स्वयं श्रील भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज जी कह रहे हैं शुद्ध भक्त का कीर्तन हमको सुनने दो। तो उन्होंने कहा महाराज जी कार से बाहर निकल करके सुन लेते। कहते नहीं, तुम समझते नहीं हो, अगर बाहर निकलेंगे तो वो अभी हमको आएंगे मिलने के लिए प्रणाम करेंगे, इसलिए वो जो उनका कीर्तन में जो आवेश है वो खत्म हो जाए। देखो एक महापुरुष दूसरे महापुरुष को पहचान सकता है लेकिन बद्ध जीव नहीं पहचान सकता है उनकी कितनी महिमा। स्वयं श्रील वामन गोसाई महाराज ने कार खड़ा करके उनका कीर्तन श्रवण किया। एक समय श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी मथुरा मठ में आए थे तो उस समय हमारे गुरुदेव थे, वो गुरुदेव ने उनको साष्टांग प्रणाम किया, इसलिए उन्होंने भी साष्टांग प्रणाम, दोनों ने एक दूसरे को साष्टांग प्रणाम किया। ये दिखाता है कि इस प्रकार से उनकी महिमा थी। हमारे गुरुदेव उनको श्रील रूप गोस्वामी की जो तिथि होती है, हमारे यहाँ विराम महोत्सव मनाया जाता है, सबसे जो हमारा बड़ा फेस्टिवल है रूप सनातन गौड़ी मठ में श्री रूप गोस्वामी का विराम महोत्सव। एक समय श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी को उसमें निमंत्रण दिया, तब उन्होंने कितना सुंदर कथा बोला। और शास्त्र की बात देखो कैसे महापुरुष लोग ही बता सकते, हम नहीं समझ सकते। श्री रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत लिखा, उस उपदेशामृत में लिख रहे हैं कि जो राधा कुंड की महिमा, कृष्णस्य उच्चैः प्रणय वसति प्रेयस्योऽभ्यो राधा कुंडम च अस्या मुनिभिः अविता तादृगे विधाय यत् प्रेष्टैः अपि अलम् असुलभम् किं पुनर्भक्ति बाजाम तत् प्रेमेदम् सकृदपि सरस स्नातुर आविष्करोति। कि ये जो राधा कुंड है साक्षात राधा रानी का स्वरूप है, इसमें कोई एक बार भी स्नान कर लेता है तो उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। कौन सा कृष्ण प्रेम? जो नारद इत्यादि जो भक्त हैं, बड़े प्रेमी भक्त, उनके लिए भी बड़ा दुर्लभ है। पांडव तो वहां बैठ करके तपस्या ही कर रहे हैं, उनको भी प्राप्त नहीं हुआ राधा कुंड के तट पर, श्याम कुंड के तट पर। तो श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं तो रूप गोस्वामी जो लिख रहे हैं वो तो गलत नहीं है, फिर हमारा क्यों नहीं हो रहा है? हम जाकर के वहां स्नान करते हैं, इतना इतना नहाते हैं, क्यों नहीं हो रहा है? तो कहते हैं कि देखो राधा कुंड क्या है, राधा कुंड अपराकृत राधा जी का स्वरूप है, वो अपराकृत राधा रानी का स्वरूप है। और हमारा शरीर कैसा है?
हमारा शरीर प्राकृत है, जड़ इंद्रियों के द्वारा तुम अप्राकृत चिन्ह में राधा कुंड में प्रवेश कैसे करोगे? क्या तुम्हारा प्रवेश हो सकता है? इसलिए पहले वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम यहां से प्रारंभ करना पड़ेगा। भजन करते 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 जब रागानुगा भक्ति में प्रवेश करोगे, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन भजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नये दक। इस प्रकार से जब रागानुगा जब साधन करते करते जब देह चिन्मय होगा, जब चिन्मय देह होगा तब तुम्हारा राधा कुंड में प्रवेश होगा। जब राधा कुंड में प्रवेश होगा तब तुम जब स्नान करोगे तब वो तुमको प्रेम प्रदान करेंगे। ये जड़ बुद्धि के द्वारा, जड़ नेत्रों के द्वारा क्या हम राधा कुंड को दर्शन कर रहे हैं? क्या हम जड़ नेत्रों के द्वारा राधा जी का दर्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अरे वो राधा कुंड की तो इतनी महिमा है, कृष्ण स्वयं वहां साधक की तरह बैठ करके भजन करते हैं, वहां त्रिसंध्या स्नान करते हैं राधा जी की कृपा प्राप्ति के लिए। हम क्या उसमें स्नान कर सकते हैं? हम क्या उसको दर्शन कर सकते हैं? उसका इतना दिव्य महिमा वर्णन किया श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, राधा कुंड के कैसे मणिमय है, चारों ओर कैसे कैसे अष्ट सखियों के उसके कुंड हैं। और इस प्रकार से श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने इस प्रकार से बड़ा सुंदर कथा बताया। और सारे जीवन भर जो उन्होंने गुरु परंपरा से जो कुछ भी श्रवण किया उसको ही बोलते थे। कभी कभी कोई जैसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता था जो उनको पता नहीं है, तो महाराज जी एक बात कहते थे कि देखो मैंने जो गुरु जी से सुना है वही बोलता हूँ मैं, लेकिन श्रील भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी उनको बड़ा शास्त्र ज्ञान, तो उनके पास जाओ, उन्होंने बहुत शास्त्र उनसे पूछ कर किया। किस प्रकार से उन्होंने जो बताया ना गुरु निष्ठा और जो गुरु जी का जो आदर्श चरित्र है, सारा जीवन उसी को ही पालन किया। और हमारा भी एक सौभाग्य हुआ कि उनके जो अंतिम दर्शन हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो उनकी समाधि जब हो रही थी तो हमको भी वहाँ पर जाने का सुयोग प्राप्त हुआ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और उनके चरणों में पुनः पुनः यही प्रार्थना करता हूँ कि जैसी उनकी गुरु निष्ठा थी उसका एक अंश मात्र भी अगर हमारी हो जाएगी तो हमको निश्चित रूप से महाप्रभु की और गुरुवर की और श्रील प्रभुपाद की कृपा प्राप्त होगी। बोलो श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। श्रील भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सपार्षद श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु परंपरा की जय। गौर को मानंदे। कल हमने बहुत कथा सुनाया हमारे गुरु जी के बारे में ना। कल हमने एक तो जूम में क्लास दिया करके देर से लोग सुनते हैं सुबह शाम, अरे सवेरे भी हमने बहुत कथा, हमारे पे भी बूंदे बरसाए। थोड़ा थोड़ा महाराज जी बता दो क्योंकि माइक माइक पे अगर खुले हरे कृष्ण ओम ज्ञानतिब्रह्म तस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नामयं गुरुदेवाय धीमते सममृतये भक्ति श्रीरूप सिद्धान्ति प्रभवे श्री महात्मने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। बोल हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्री गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्रीरूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात नितलीला प्रविष्ट शिल भक्ति वल्लभ शिल तीर्थ गोस्वामी महाराज नितलीला प्रविष्ट भक्ति विधान शिल नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। अभी प्रभु जी बता रहे थे आज हम लोगों का बहुत बढ़िया दिन है, जो कि हमारी गुरु परंपरा में जो आए हुए हैं, जो आप जैसे भक्त लोग हैं अब आपके घर में हम आए और हम जब ठाकुर जी को दर्शन किया मैं तो इधर से आ रहा था, मैंने कहा इतने बड़े बड़े जगन्नाथ जी और इतने बड़े बड़े ठाकुर, हम देखा हमारे मंदिर में भी इतने बड़े बड़े ठाकुर नहीं है, गुरु जी ने दिए। इसलिए मैं तो देख करके आश्चर्य हो गया जो इतने बड़े बड़े ठाकुर जिनके घर में पूजा हो रहे हैं और सारी गुरु परंपरा के फोटो है
और सारे गुरुवर्गों का ग्रंथ भी हमने देखा यहाँ पर, सारे गौड़ीय गीति गुच्छ और सारे गुरुवर्गों का फटो देख करके हमारे हृदय तो प्रेम में गदगद हो गया, जिनके घर में इतने सुंदर ठाकुर जी की सेवा हो रही है। हाँ ये मठ है, सारे ग्रंथों को इन्होंने सजा करके बहुत अच्छे तरह से, बोले हर घर में ऐसे ही होनी चाहिए, ठाकुर जी होनी चाहिए, ठाकुर को सेवा पूजा होनी चाहिए, ऐसे ग्रंथ रखनी चाहिए। इसलिए भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं जिस दिन गृह भजन देखी गृह ते बोलो भाई, जिस दिन हमारे घर में भगवान की भक्ति, भगवान की कीर्तन, भक्त लोग आए वही घर ही भगवान की धाम ही वही घर है। इसलिए वास्तव रूप में अपना घर को आप लोगों ने भगवान का मंदिर का स्वरूप दिया है, बहुत बड़ी बहुत अच्छी बात है, है? बहुत अच्छी बात है। इसलिए प्रभु जी ने पूछा अपना गुरु जी के बारे में कुछ बताओ, मैं 5 मिनट बोल देता। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जो श्री महाप्रभु धारा में हम आए। इसलिए भागवत का एकादश स्कंध है बताए कि ये कलियुग में देवता लोग भी कलियुग में जन्म लेना चाहते हैं। कल देवता लोग की बात छोड़ दो, बोले सत्य त्रेता द्वापर युग का लोग भी ये कलियुग में जन्म लेकर के महाप्रभु की धारा में आना चाहते हैं। बोले क्यों? सत्य युग को तो कृत्य युग कहते हैं, हाँ, जिस समय धर्म का चार ही चरण रहता था, कोई अधर्म नहीं करते थे। त्रेता युग को राम राज्य कहते हैं, राम राज्य में आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक कोई दुख कष्ट नहीं था। द्वापर युग में स्वयं परम ब्रह्म भगवान कृष्ण स्वयं आए, जहाँ पर धर्म विचार चरण में रहा करता था जब भगवान कृष्ण आए, हैं? लेकिन कलियुग को तो कहती सबसे गंदा युग ये कलियुग है, हैं? इसलिए कहते प्राप्त है कलियुग घोरा नरा पुण्य विवर्जिता, कलियुग आने पर सबके सब धर्म कर्म से विमुख हो जाएंगे, दुराचार रता सर्पे, सबके सब दुराचार में रत रहेंगे, सत्य वार्ता पर अनुमुख, कोई सच नहीं बोलेगा झूठ बोलेंगे, हैं? कहते कलियुग तो सबसे गंदा युग बताया, कहते मंदा सुमंद मतयो, मंद नहीं अत्यंत अत्यंत मंद बुद्धि वाले कलियुग में होंगे। पर ये कलियुग में ये सबके सब जन्म क्यों लेना चाहते? बोले कारण है ये जो कलियुग है ये धन्य कलियुग है, ये कलियुग साधारण कलियुग नहीं है, जिसको हमारे भक्त विनोद ठाकुर कहते ना के जाबिके जाबिरे भाई भाव सिंधु पार धन्य कलियुगे रचे तन्न अवतार, तन्न अवतार तोरा के जाबिके जाबिरे भाई भाव सिंधु पार। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते भैया को नहीं भवसागर से पार होना चाहते, क्योंकि धन्य कली युगेर चैतन्य अवतार, ये धन्य कली युग, ये कली युग कोई साधारण कली युग नहीं, ब्रह्मा का एक दिन में एक बार ये कली युग आता है। ब्रह्मा का एक दिन कितना दिन है? कहते 1000 चतुर्युग बीतने पर, है? 1000 जब चतुर्युग बीत जाए तब भी एक बार श्री महाप्रभु इस जगत में आते हैं, हर कलियुग में नहीं आते हैं, है? 1000 कलियुग को बाद में, 1000 द्वापर त्रेता सत्ययुग को बाद में एक बार आते हैं। इसलिए ये जो महाप्रभु को धारा में ये देवता लोग और दूसरे दूसरे युग इसमें अभिषिक्त होकर के और श्रील प्रभुपाद की धारा में भक्ति विनोद धारा में अभिषिक्त होकर के भजन करना चाहते हैं। बोले कारण क्या है, इसमें क्या विशेषत्व, हमारी गौड़ीय वैष्णव जगत में क्या विशेषत्व है, ये लोग क्यों जन्म ग्रहण करना चाहते? इसलिए प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं हे मन गौरवी नानी आर हे नावतार अबे की होए छे हे न प्रेम परचार, हे मन गौरवी नानी आर। इसलिए प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं कहते ऐसे अवतार कभी हुए और कभी होएंगे, ऐसे प्रेम महाप्रभु जो पशु पक्षियों को जानवर को भी उन्होंने महाप्रभु प्रेम देते हैं, और जो प्रेम को कहते ब्रह्मा वीर चिर
बांछित जे प्रेम जगते फैलिल ढाली कांगाले पाइया खाइल नाचिया बाजाइया कर ताली। इसलिए महाप्रभु ने कहते ब्रह्मा शंकर जिस प्रेम के लिए कठोर तपस्या की है, कठोर तपस्या की है, जहाँ पर ब्रह्मा जी पत्थर जन्म लेना चाहते, उद्धव जैसे व्यक्ति यहाँ के गुलमल लता रूप में जन्म लेना चाहते, शंकर जैसे उनने गोपी रूप भी शंकर जी धारण कर लिए हैं, लेकिन जो प्रेम के लिए ये भी तरसते हैं, महाप्रभु ने आसानी से मुक्त हाथों से उन्होंने सबको ये प्रेम दिया। बोले कलयुग में ज्यादा कोई परिश्रम करने का जरूरत नहीं, बोले बाजा या कर ताली, बस हाथ में ताली बजा करके केवल उन्होंने श्री सचिनंदन गौर हरि की जय, बोले श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय, और ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करो महाप्रभु धारा में, बस वो प्रेम तुमको आसानी से मिल जाएगा। जो प्रेम के लिए इतने कठोर तपस्या इन लोगों ने किया है, इसलिए भक्त विनोद ठाकुर तो और विशेष बात कहते हैं, ये केवल इसी कलयुग में संभव और कहीं नहीं, कि जो व्यक्ति महाप्रभु की धारा में प्रभुपाद की धारा में आकर भजन करेंगे, कहते एक साथ में जब उनको वस्तु सिद्धि होगी, मतलब जब भगवत प्राप्ति होगी, एक साथ में उनको दो धाम में सेवा मिलेगा, एक तो महाप्रभु के धाम में और एक श्री गोलोक वृंदावन में, जैसे रूप गोस्वामी महाप्रभु को धारा में, रूप गोस्वामी लेकिन कृष्ण लीला में कौन है, रूप मंजरी, सनातन गोस्वामी महाप्रभु की लीला में सनातन गोस्वामी, कृष्ण लीला में लवंग मंजरी है, लवंग मंजरी, इसलिए प्रभुपाद कहते ये कौन, महाप्रभु की लीला में प्रभुपाद लेकिन कृष्ण लीला में नयनमणि मंजरी। इसलिए कहते एक साथ में जब उनकी वस्तु सिद्धि होगी, दो धाम में सेवा, और किसी अवतार में ये दुर्लभ वस्तु नहीं, केवल महाप्रभु की धारा में ये वस्तु। इसलिए हम लोग जो महाप्रभु की धारा में, इसलिए प्रभुपाद को धारा में आए, ये कोई साधारण बात नहीं, बहुत हमारी जो सुकृति है ना, गुरुदेव कहते थे जो भक्ति उन्मुख सुकृति से ही भक्ति धारा में आते, साधारण व्यक्ति नहीं, गुरुदेव कहते थे हमारी जो सुकृति है ना वो साधारण सुकृति नहीं, जो महाप्रभु प्रभुपाद को धारा में आए वो साधारण सुकृति नहीं, ये विशेष सुकृति संपन्न व्यक्ति है जो कि महाप्रभु प्रभुपाद की धारा में आए, ये लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसलिए कहते जब प्रभुपाद जब अपना गोलोक वृंदावन में राधा रानी की निकुंज सेवा में जब ये नयन मणि मंजरी रूप में वहां पर सेवा में नियुक्त थे, स्वयं राधा रानी प्रभुपाद को कहते बोले नयन मणि मंजरी देखो, जगत का स्थितियों को देखो, लोग कैसे दुख कष्ट भोग कर रहे, और धीरे 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 आउल बाउल नेड़ा नेड़ी स्मार्त जात गोसाई है सखी भेकी उल्टा पुल्टा संप्रदाय जगत में आकर के लोगों को भ्रमित कर रहा था, और विशेष करके जो चैतन्य महाप्रभु के महाप्रभु जाने का बाद है जो अलग अलग माता जी बाबा जी सिगरेट फूंकने वाले और बीड़ी फूंकने वाले मांस मछली खाने वाले, लेकिन तिलक लगा कर क्या कहते थे, हम महाप्रभु को लाइन में हम सबके सब है, है? इसलिए कहते महाप्रभु का भक्तों का नाम सुन करके ना लोग नाक सिकुड़ाया करते, ये महाप्रभु का धारा, ये नेड़ा नेड़ी सब था बड़ी गंधा भावना, लेकिन इसलिए प्रभुपाद आकर के भक्ति विनोद ठाकुर आकर के ना इन लोगों ने जब शुद्ध भक्ति धारा को उन्होंने प्रचार किया है, है? प्रचार किया महाप्रभु धर्म धर्म को, उन्होंने जो भागवत में बताया दुतम पानम स्त्रियम सोना, जो ये चार जो अधर्म है संपूर्ण रूप में इसको निषिद्ध करके शुद्ध भक्ति धारा को उन्होंने जगत में प्रचार और प्रसार किया है। इसलिए प्रभुपाद को राधारानी कहते देखो नयन मणि मंजरी तुम अकेले मत जाया करो, क्या करो तुम अपना परिकरों को लेकर के जाओ, अपना संगियों को लेकर जाओ। इसलिए प्रभुपाद अकेले नहीं आए, प्रभुपाद ने पूरा पूरा अपना धारण जो निकुंज मंदिर यहाँ पर उन्होंने गौरी रूप में प्रकट किया है। इसलिए जितने प्रभुपाद का शिष्य है ना ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये स्वयं राधा रानी को द्वारा प्रेरित सबके सब निज जन है। इसलिए जब गुरुवर्ग लोग चले गए भक्ति विनोद ठाकुर गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जब ये सबके सब चले गए, लेकिन प्रभुपाद के ऊपर में बहुत कुछ दायित्व तो देकर गए, क्योंकि प्रभुपाद को जो योग्यता देखा, जो योग्यता उन्होंने देखे क्या उन्होंने
इतने धुरंधर ज्योतिष विद्या की, कितने भाषा जानते थे, उसी तथागतित लोग इनकी भक्ति सिद्धांत सरस्वती उपाधि प्रदान किया है, हैं तथागतित लोग। ये दूसरे जैसे श्री सरस्वती है, दूसरे श्री सरस्वती जैसे, इसलिए इनकी योग्यता को देख करके बहुत कुछ उनके ऊपर देख कर गए, भविष्य में तुम महाप्रभु का जो भविष्यवाणी है पृथ्वी ते पानी ले आओगे। मेरे को ठंडा लग गया है, इधर आकर नहीं ऐसी की नहीं वैसे। थोड़ी सी पानी दे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा चैतन्य महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था, पृथ्वी ते आच्छजात नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार है विमरना, सुखी है या लोक मर गाइवे गाइवे कीर्ति। एक दिन ऐसा आएगा पृथ्वी में जितने नगर ग्राम हैं और सब जगह में मेरी नाम गूंज उठेगा, सब लोग प्रसन्न होकर के भगवान का नाम कीर्तन करेंगे। ये महाप्रभु की भविष्यवाणी। इसलिए प्रभुपाद को किसी ने बताया था, बोले प्रभुपाद हम चाहते हैं हर शहर शहर में एक एक गौड़ीय मठ हो। प्रभुपाद कहते शहर शहर में नहीं, मैं चाहता हूँ हर गांव गांव में एक गौड़ीय मठ हो। तो प्रभुपाद कहते गांव गांव में नहीं, हम कहते एक एक व्यक्ति को ही हम गौड़ीय मठ बनाना चाहते हैं। मतलब प्रभुपाद की जो वाणी था है, कहते हर एक एक व्यक्ति को ही हम गौड़ीय मठ बना देना चाहते, ऐसे प्रभुपाद की इच्छा थी है। इसलिए किसी ने प्रभुपाद को आकर के बोले प्रभुपाद जी अगर दो चीज को छूट दे दोगे ना सारा दुनिया की जितने संप्रदाय आपकी संप्रदाय में आ जाएंगे, बोले एक चाय और एक पीढ़ी, ये दो चीज को छूट दिलवा दो। प्रभुपाद बोले हमें हजार तारों की जरूरत नहीं, एक चंद्रमा की जरूरत है, क्योंकि एक चंद्रमा सारा दुनिया को आलोक कर देता है, लेकिन हजार तारों कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए प्रभुपाद कहते भैया एक व्यक्ति भक्ति में आए लेकिन शुद्ध रूप में है, शुद्ध रूप में आए और शुद्ध रूप में भगवान की भक्ति करे। इसलिए प्रभुपाद की, इसलिए प्रभुपाद ये चाह रहे थे महाप्रभु का जो भविष्यवाणी है, ये भविष्यवाणी को प्रभुपाद ने कोशिश की जगत में प्रचार और प्रसार करने के लिए। इसलिए प्रभुपाद जब दुखी होकर बैठे हुए थे, बोले लोग मेरे को ऊपर में इतने सारे दायित्व तो दे कर गए, मेरे पास में जन बल नहीं, मेरे पास में अर्थ बल नहीं, मैं कैसे ये काम को पूरी करूं। इतने में प्रभुपाद एक दिन स्वप्न समाधि में दर्शन किया, क्या देखा, सारे गुरु वर्ग लोग प्रकट हो गए, हाँ महाप्रभु अपना परिकर के साथ में प्रकट हुए। बोले ओ प्रभुपाद तुम सोच रहे हो तुम्हारे पास में जन बल नहीं अर्थ बल नहीं, तुम कैसे पूरी करोगे, कोई चिंता मत करो, केवल तुम कोशिश करो।
कोशिश करो तुम्हारे पीछे हम सबके सब देने के लिए तैयारी, इसलिए सब अर्थ और जन हम देने के लिए तैयारी, केवल तुम कोशिश करो। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं मैंने जब ये स्वप्न समाधि में दर्शन किया कहते मेरे अंदर में तो 100 गुण ज्यादा ताकत आ गया। वो मैं तो सोच रहा था मैं अकेला हूँ, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ में सारे गुरुवर्ग और स्वयं महाप्रभु कहते हम लोग भेज रहे। प्रभुपाद खुद कहते मेरे अंदर 100 ज्यादा ताकत आ गया। फिर तो धूम धड़का मैंने कोशिश किया महाप्रभु का धर्म जगत में कैसे प्रचार हो। इसलिए कहा कहते प्रभुपाद का जो निजजन है जैसे हमारे भक्त माधव गोस्वामी महाराज मेरे गुरुदेव और जितने प्रभुपाद का गण है, इसलिए कहते प्रभुपाद का भक्त लोग कहते ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये महाप्रभु का द्वारा भेजा हुआ ये सबके सब महाप्रभु के ये परिकर लोग आए हैं महाप्रभु की वाणी को जगत में प्रचार और प्रसार करने के लिए। इसलिए हम लोग सुनते हैं ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे जने जने, एक एक महाप्रभु का जो भक्त है वो एक एक ब्रह्मांड को तार सकते हैं। इसलिए जब प्रभुपाद का गण में देखते हैं ना सचमुच से बात सही, इन लोगों ने एक व्यक्ति देखना एक पिताजी का बात बेटा ही नहीं सुनता है, बेटा अपना बात की बात नहीं सुनते, लेकिन प्रभुपाद की गण देखो है इन लोगों ने कैसे प्रभुपाद की उन्होंने कैसे सेवा की। और जिधर उन लोगों ने एक जो भक्त गए हमारे जो भक्त थे माधव गोसाई महाराज, मैंने सुना अगर कहीं प्रचार के लिए जाते थे 7 दिन में एक गौड़ी मठ स्थापन कर देते, कहते 7 दिन में ये एक गौड़ी मठ बना देते। इसलिए वृंदावन में देखो गौड़ी मठ सबसे जो चैतन्य गौड़ी मठ है वो कहते बड़ा मठ है, वो कहते बड़ा मठ उसका मठ कहते ये सबसे बड़ा मठ। उन्होंने जहां जहां मंदिर उन्होंने बनाया ना वो छोटे मोटे स्थान में नहीं बनाए, वो बड़े बड़े जगह पर उन्होंने बनाए बड़े मठ, उनको कहते बड़े मठ उनको कहते हैं। इसलिए कहते जितने हमारे गुरुवर्ग लोग आए हैं ये सब महाप्रभु का प्रेरित निजजन है और आकर के जगत में धर्म को प्रचार और प्रसार किया है। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु कहते एक एक भक्तों को द्वारा उनने एक एक सिद्धांत को बार रस को उनने स्थापन किया है। जैसे जीव गोस्वामी को द्वारा सिद्धांत को स्थापन किया, रूप गोस्वामी को द्वारा रस को स्थापन किया, सनातन गोस्वामी को द्वारा संबंध ज्ञान को स्थापन किया और उन्होंने हरिदास ठाकुर को द्वारा नामाचार्य हरिदास ठाकुर नाम दिए हैं। कहते उसी तरह प्रभुपाद का गण में भी ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे ऐसे व्यक्ति बताते हैं ना जो भिक्षा की, कहते भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जो कुछ भी नहीं देगा वहां से भी कुछ लेकर के आते थे हैं। इसलिए भक्ति दे तो माधव गोस्वामी महाराज कहीं अगर मठ बनाना तो इनको भेज देते थे, बोले जाओ वहां पर मठ को देखो 7 दिन में गौड़ी मठ स्थापन कर देते थे। भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज कहते अगर कहीं विद्वत सभा देखते थे यहाँ पर बड़े विद्वान लोग उनको खड़े करते थे, कहते जब वो अंग्रेजी में वो बोलते थे ना लगता था ये अंग्रेजी है, जब हिंदी में बोलते थे ये हिंदी है और जब ये बंगला में बोलते थे लगता ये बंगाली है। हैं उन्होंने कहीं मथुरा में कहीं कोई कॉलेज को ओपनिंग था उन्होंने सब बुलाया इधर उधर संतों को। भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज कहते क्या अंग्रेजी उन्होंने बोला, हे अंग्रेजी सुन करके जितने वहां के लोग उस समय अंग्रेजी साधारण लोग नहीं बोलते थे सुन करके बोले बाबा ये बाबा होकर के ये क्या अंग्रेजी बोलते, हम सोच रहे थे हमारे घर में ये चून मांगने के लिए रोटी मांगने के लिए आते हैं बाबा लोग हैं, ये इतने लिखे पढ़े इतने विद्वान हैं इतने लिखे पढ़े ये। इसलिए ऐसे ऐसे प्रभुपाद का भक्त भक्ति रंग श्रीधर गोस्वामी महाराज जर्मनी में हिटलर को जर्मनी सीख करके बोला था महाप्रभु की फिलोसफी के ऊपर में महाप्रभु की फिलोसफी के ऊपर बोलना भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी महाराज खड़े करते थे हैं। वो तो वो कहते थे लोग तो अंग्रेजी बोलने के लिए ढूंढते हैं, अंग्रेजी स्वयं आकर मेरी सेवा करते हैं मतलब इतने अच्छी अंग्रेजी बोलते थे। इसलिए प्रभुपाद का एक एक गण है ना वो साधारण व्यक्ति को ही, प्रभुपाद का गण को ही साधारण व्यक्ति नहीं बड़े धुरंधर थे हैं, बड़े धुरंधर थे ये लोग सबके सब। इसलिए कहते उसी में ही मेरे जो गुरुदेव है इसलिए इनका नाम है भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी नाम रखे, क्योंकि ये सिद्धांत में बड़े पक्के थे हैं, ये सिद्धांत में बड़े पक्के थे हमारे गुरुदेव, इसलिए इनका नाम सिद्धांति महाराज रखे। इसलिए हमारे गौड़ीय संप्रदाय में ये भी उन्होंने जितने सिद्धांत ग्रंथों के उन्होंने प्रकाशित मेरे गुरुदेव ने किया है, जितने कठोर जो वेदांत जो ग्रंथ दांत टूट जाएगा
वेदांत दांत तोड़ देगा ये है उसमें, लेकिन वेदांत गोबर में भाष्य लिखना ये कोई साधारण बात नहीं। इसलिए जगन्नाथपुरी में एक बाबा जी महाराज है, वो बहुत विद्वान है, इन्होंने वेदांत गोबर उन्होंने पेपर दिया है, वेदांत गोबर पेपर दिया उन्होंने और फर्स्ट आया है। बोले तो मैंने कहाँ से पढ़ा, बोले आपकी ग्रंथों को लेकर के भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के ग्रंथों को मैंने पढ़ करके इतने सुखमत विचार और इतने सबको बाद में गुरुदेव ने टीका के बाद में भी उसको एकदम सुंदर रूप में सरल भाषा में गुरुदेव ने उसका फिर टीका लिखी। अब डायरेक्ट जो टीका के अर्थ पढ़ो ना, पढ़ना समझना बड़ा कठिन है, लेकिन मेरे गुरुदेव ने जो बताए इतने सरल रूप में साधारण से एक साधारण वो कहा करते तो मेरे गुरु जी की महिमा, बोले आप गुरु जी ग्रंथ को पढ़कर मैंने वेदांत दर्शन दिया और उसमें फर्स्ट मैंने आया है। इसलिए मेरे गुरुदेव ने जितने कठिन ग्रंथों को उन्होंने रचना किया, भगवत गीता के ऊपर भी गुरुदेव का टीका, उपनिषद भी कठिन ग्रंथ है, जो प्रस्थान त्रय तीन ग्रंथ है इसको ऊपर में गुरुदेव ने, हमारे गुरुदेव ने उसको टीका लिखे है और जगत में ये प्रसार किया। कहते अगर किसी संप्रदाय में तीनों ग्रंथों के ऊपर में अगर कोई टीका नहीं हो तो उसको संप्रदाय, यहाँ तक भी शंकर संप्रदाय में भी कहते तीनों ग्रंथों के ऊपर जिसका टीका नहीं उसको संप्रदाय नहीं मानी जाती। इसलिए प्रभुपाद ने अपना इच्छा को प्रकाश किया था, उन्हें भक्ति भूदेव श्रौती गोस्वामी महाराज को बोले थे अपना संप्रदाय के भाव अनुरूप ये तीनों ग्रंथों के ऊपर कोई टीका होनी चाहिए है। उन भक्ति भूदेव श्रौती गोस्वामी बड़े पंडित विद्वान थे, लेकिन उन्होंने बोल रहे मैंने तो किया लेकिन सही सही नहीं कर पाया, लेकिन जब मैंने सुना भक्ति सिद्धांत गोस्वामी महाराज कर रहे मैं दौड़ दौड़ करके आया कलकत्ता मठ में सुन करके। उन्होंने बोले ये प्रभुपाद के अभीष्ट था ये तीनों ग्रंथों के ऊपर टिका हो, तुमने प्रभुपाद की बहुत बड़ी सेवा की, ये तीनों ग्रंथों के ऊपर तुमने टिका करके हमारे गौड़ीय संप्रदाय की और महाप्रभु की और प्रभुपाद की तुमने बहुत बड़ी तुमने सेवा की। बोले इतने खुश हो रहे थे, इतने खुश हो रहे थे। अब वेदांत सूत्र में देखना उसको पहले भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज क्या बोले, भक्ति भूदेव श्रौती गोस्वामी महाराज क्या बोले, प्रभुपाद का क्या इच्छा था कि तुमने प्रभुपाद की मनोभीष्ट को तुमने स्थापन किया और ये सिद्धांत ग्रंथ साधारण व्यक्ति कोई नहीं कर सकते। इसलिए जब हमारे संप्रद महाप्रभुपाद का जो भक्त लोग होते ना, बोले अगर कोई काम किसी ने अगर किया, जैसे हमारे गोस्वामी लोग आए, बड़े बड़े लोग आए, कहते अगर कोई विशेष काम कर गए तो ये भक्ति स्वरूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज ने ये विशेष काम कर गए हैं, जो साधारण व्यक्ति का ये काम नहीं। इसलिए इन्होंने प्रभुपाद के मनोभीष्ट को उन्होंने जगत में स्थापन किया। इन्होंने तो बहुत बहुत सेवा की है मंदिर की, हमने कल मैंने बहुत मैंने कथा सुनाई है, दो दो बार सवेरे भी सुनाए और मैंने शाम को भी सुनाए, और श्यामानंद प्रभु ने भी अच्छी बात गुरु जी का मैंने जो पहले पहले बोला था उन्होंने भी अच्छी बात उन्होंने बताई है। अगर देखना हो तो आप वहाँ से निकाल करके ना आप लोग देख लेना, हमने बहुत विस्तृत रूप में हम लोगों ने इसको बताया, ठीक है। बोले श्री गुरुपाद पद्म की जय, भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज की जय, पिताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे
के राज को बिंद गो बिंद राधे 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 गो नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जनित लीला प्रविष्ण भक्ति भक्ति दैत श्रील माधव गोस्वामी महाराज की जय। नित लीला प्रविष्ण भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। नित लीला प्रविष्ण भक्ति प्रमोद गुरु गोस्वामी महाराज की जय। नित लीला प्रविष्ण भक्ति विदात श्रील वामन गोस्वामी महाराज की जय। नित लीला प्रविष्ण भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। छपरिकर प्रभुपाद की जय। भक्ति सिद्धांत श्रील सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय श्रील महाभागवत श्रील गौर गुसरदास स्वामी बाबाजी महाराज की जय। सच्चिदानंद श्रील
भक्ति मुन्ना ठाकुर की जय। वैष्णव सार बहुम श्रील जगन्नाथ दास स्वामी बाजी महाराज की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ही षड़ गोस्वामी प्रभु की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम सुख श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि श्री गौर भक्त वृंद राय रामानंद स्वर्गत मदरादि गौर पार्षद वृंद नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास प्रभु त्रय की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय। सुंदरकर गौर हरि की जय। निताई गौर प्रभु की जय।